सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में। आज हम बनाएंगे पनीर कॉर्न पिज़्ज़ा। इसके लिए हमने पिज़्ज़ा बेस लिए हैं, चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑरिगेनो ली है, मोज़रेला चीज़ ली है, स्वीट कॉर्न लिए हैं, पनीर क्यूब्स लिए हैं, थोड़े से ओनियन रिंग शेप में काट लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च लंबी लंबी काट ली है, पिज़्ज़ा सॉस ली है, पेरी पेरी मसाला लिया है और मस्टर्ड सॉस ली है। सबसे पहले अब हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। और उसमें अब हम पनीर के क्यूब्स डालेंगे। अब हम इसमें पेरी पेरी मसाला डालेंगे। और पनीर के पीसेस को अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें मस्टर्ड सॉस डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे पनीर के पीसेस सौते हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा बेस पे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब हम इस पे मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। अब हम इस पे पनीर के पीसेस लगाएंगे। प्याज लगाएंगे। शिमला मिर्च लगाएंगे। और कॉर्न लगाएंगे। अब हम इस पे ऑरिगेनो डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे। और मोज़रेला चीज लगाएंगे। और अब हम पिज़्ज़ा को ट्रे में रखेंगे। ट्रे में हम सिल्वर फॉइल लगा लेंगे। और तंदूर को बोथ साइड हीट करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए तंदूर करेंगे। पांच मिनट पे एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि बना कि नहीं बना। और ये हमारा पनीर कॉर्न पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर कॉर्न पिज़्ज़ा बनके तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।